महाराष्ट्र की राजनीति ने जिस तेजी से पलटी खाई है उसमें सबसे बड़ी भूमिका अदा की है एनसीपी नेता अजीत पवार ने। अपने चाचा शरद पवार और पूरी पार्टी के खिलाफ जाकर अजीत पवार ने बीजेपी को समर्थन दिया और रातों रात महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। असल गेम चेंजर कौन है ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी बहुत से पत्ते खुलना बाकी है। बहरहाल अभी तो ये जानना जरूरी है कि सियासी चाल के माहिर पवार ही है या उनसे पहले भी कोई ये पैतरा आजमा चुका है। तो आपको बता दें कि 13 साल पहले कर्नाटक में भी ऐसा ही सियासी ड्रामा हो चुका है, जिसमें मेन रोल निभाया देवेगौड़ा ने। एचडी देवेगौड़ा ने नहीं, उनके बेटे एचडी कुमार स्वामी यानी हरदनहल्ली देवेगौड़ा कुमार स्वामी ने, जिनकी वजह से कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन वाली सरकार रातों रात गिर गई और कुमार स्वामी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। उस वक्त जेडीएस भी बीजेपी को अपना दुश्मन समझती थी। इस घटना के बाद पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने चुप्पी साध ली और कुमार स्वामी ने बेधड़क बीएस येदियुरप्पा के साथ मिलकर सरकार बनाई। खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp.com।